हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेथड टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो हमारे पास लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो सिंबॉलिक फॉर्म में इस टाइप से हम लिखते हैं एफ ऑफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो इस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा सोल्यूशन क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई, दैट विल गिव यू द कंप्लीट सोल्यूशन। तो CF के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि CF किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हमारी गिवन PDE का। अब हमारे पास नेक्स्ट बचता है PI। सो PI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, PI का तरीका होता है कि जस्ट यू हैव टू ऑपरेट FDD डैश अपॉन टू द फंक्शन ऑफ XY, दैट मींस यू हैव टू अप्लाई 1 बाय F ऑफ DD डैश और 2 F ऑफ XY। तो ये आपका तरीका है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का, कोई भी आपकी PDE गिवन है तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अब डिपेंड करते हैं कि जो ये राइट हैंड साइड में फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, ये अगर हमारे डिफरेंट टाइप से है तो उसके लिए जो पीआई है वो हम डिफरेंट टाइप से कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए मैं केसेस अराइज कर रहा हूँ। केस वन, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि जो आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई है राइट हैंड साइड में, तो इफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई अगर आपका क्या है ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई, तो अगर फंक्शन आपका इस टाइप से है एफ ऑफ एक्स वाई, तब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से निकालोगे, तब आप कहोगे पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा 1 बाय f ऑफ dd डैश, इसके ऊपर अप्लाई होगा फंक्शन ऑफ xy पे, यानी कि e रेज़ टू पावर ax प्लस by पे। तो इसका जो डेरिवेशन है, नो नीड टू लुक एट द डेरिवेशन, जस्ट रिमेंबर द वे रूल कि हाउ टू फाइंड आउट द pi इन केस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शन टू द राइट हैंड साइड। तो उसके लिए केवल आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं कि हाउ टू कैलकुलेट दिस pi इन केस ऑफ द फंक्शन इज दिस वन एंड फंक्शन इज डिफरेंट। ओके, सो अगर e रेज़ टू पावर ax प्लस by फंक्शन है तो उसका pi हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 / f dd डैश * ax + by। अब आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, जस्ट रिप्लेस जो फंक्शन ऑफ dd डैश है उसमें d को रिप्लेस कर दो x के कोफिशिएंट से, रिप्लेस d by a। ओके, आई कैन राइट देम दैट b by a एंड d डैश by p। तो d को तो हम रिप्लेस कर देंगे x के कोफिशिएंट से और d डैश को रिप्लेस कर देंगे y के कोफिशिएंट से। तो यहां पर इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए एंड into e raise to power ax plus by, that will give you the particular integral। तो cf आपने पहले ही पता था आपको cf कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो cf plus pi कर दीजिए, that will give you the general solution of the given pd। अब आपके पास सेकंड केस अराइज होता है, अगर मान लीजिए आपके पास सेकेंड केस क्या है, अगर राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वो अगर आपके पास है साइन ऑफ एम एक्स प्लस एन वाई, या तो ये हो या फिर इस टाइप से हो कोस ऑफ एम एक्स प्लस एन वाई, तब इस केस के लिए हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, तब आप कहोगे पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी इक्वल टू, फिर वही करना हमने तो 1 / इसका 1 / एफ डी डी डैश, 1 / एफ डी डी डैश, और राइट हैंड साइड में मान लीजिए क्या है साइन है या कोस है, या तो साइन हो या फिर कोस हो, तो उसके लिए हम क्या करें, मान लीजिए मैं साइन ले लेता हूं साइन ऑफ एम एक्स प्लस एन वाई, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी आपके डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास डी स्क्वायर की टर्म होगी, सो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन कि रिप्लेस जो डी स्क्वायर होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे बाय एक्स का कोफिशियंट जो है उसका स्क्वायर कर दीजिए और माइनस साइन ले लीजिए, x का कोएफिशिएंट m, m स्क्वायर लेके विद माइनस साइन, तो d स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस m स्क्वायर से, dd डैश अगर टर्म आ जाती है तो dd डैश को रिप्लेस करेंगे m का कोएफिशिएंट वो x का कोएफिशिएंट * y का कोएफिशिएंट, वो बन गया mn विद माइनस साइन, एंड d डैश स्क्वायर अगर आ जाता है मान लीजिए, तो d डैश स्क्वायर को किससे को रिप्लेस करेंगे y का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर ले लीजिए एंड विद नेगेटिव साइन, इसे अप्लाई कीजिए एंड डू इट सॉल्व, so 1 / that term into sine of mx plus ny, that will give you the particular integral। अब हमारे पास आता है मान लीजिए थर्ड केस है, केस थर्ड मेरे पास क्या है, अगर आपके पास राइट हैंड साइड में फंक्शन क्या है f of xy is equal to x raised to power m into y raised to power n, ये हमारे दोनों m और n क्या है कांस्टेंट्स है यहाँ पर, ओके okay? मतलब कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, these are the constants over here, so अगर आपके पास x रेस्ट बार एन वाई रेस्ट बार एन है, तब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी गिवन बाय 1 / f dd डैश ऑफ
एक्स रेस टू पावर एम इंटू वाई रेस टू पावर एम, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। लेकिन इसे सोल्व करने का तरीका क्या होगा, जो भी आपके पास ये पॉलिनोमियल है डी और डी डैश में, जस्ट उसे पहले न्यूमिनेटर में ले जाइए। सो व्हेन यू न्यूमिनेटर में जब आप इसे लेके जाओगे तो क्या बनेगा, एफ डी डी डैश पावर माइनस वन, ओके, एंड इंटू एक्स रेस टू पावर एम वाई रेस टू पावर एन। अब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके इस टर्म को एक्सपेंड कर दीजिए। जब ये टर्म आपकी एक्सपेंड हो जाएगी, सो इस टर्म को आप एक्सपेंड कीजिए बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके इंटू एक्स रेस टू पावर एन वाई रेस टू पावर एन। तो आपके पास जो भी टर्म्स है, टर्म्स आएगी, तो इस एक्स रेस टू पावर एन वाई रेस टू पावर एन को टर्म बाय टर्म सभी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उसे सोल्व कर दीजिए। तो सोल्व करने के बाद जहां से अगर ये डी से मल्टीप्लाई होता है तो इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ये डी डैश से मल्टीप्लाई होता है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा। अगर ये डी टू डी डैश से मल्टीप्लाई होता है तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा और वन टाइम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा। ओके, इन दिस वे दिस विल बी सोल्व। तो जो भी ये टर्म आएगी दैट विल बी योर पीआई। तो फिर आप सीएफ और पीआई को ऐड कर दीजिए, दैट विल गिव यू द जनरल सॉल्यूशन। अब आपके पास लास्ट केस बचता है, तो अब हमारे पास क्या है, केस फोर। तो केस फोर क्या है कि अगर मेरे पास राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है, इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज एनी अदर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो अगर मान लीजिए ई रेस टू पावर एक्स प्लस बी वाई का केस पढ़ा हमने, साइन एम एक्स प्लस एन वाई या कोस एम एक्स प्लस एन वाई के लिए पी आई हमने देखा, या एक्स रेस टू पावर एम इंटू वाई रेस टू पावर एन के लिए हमने पी आई देखा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर उन फंक्शन के अलावा कोई और फंक्शन होता है तो हाउ टू कैलकुलेट द पी आई। सो वट यू हैव टू डू, जस्ट यू विल राइट डाउन दैट पी आई विल बी गिवन बाय वन अपॉन एफ ऑफ डी डी डैश टू एफ ऑफ एक्स वाई, यू विल से दैट। तो हमें इस केस में क्या करेंगे, जस्ट इसे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इसका, वन बाय एफ डी डी डैश का हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। जस्ट यू टेक दैट डू द पार्शियल फ्रैक्शन। सो हम यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे, एफ ऑफ डी डी डैश। तो जब इसका पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे, सो व्हाट यू हैव टू डू, सो पार्शियल फ्रैक्शन लेके हमारे पास कुछ लीनियर फैक्टर्स बनेंगे जो इसके, तो वो लीनियर फैक्टर एक एक करके एफ एक्स वाई पे अप्लाई होते रहेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन आ गया, मान लीजिए वन अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकंड ब्रैकेट इंटू थर्ड ब्रैकेट एंड सो ऑन, इस टाइप से आ गया। तो हर एक लीनियर फैक्टर एक एक करके इसके ऊपर अप्लाई होगा। सो मान लीजिए मैं कहता हूं देन वन अपॉन, मान लीजिए इस तरीके से डी माइनस एम डी डैश, अगर मैं इसे अप्लाई करता हूं किस पर, एफ ऑफ एक्स वाई पर, इस तरीके का अगर फंक्शन, अगर आपके पास ये बनता है फैक्टर, तो अगर मैं इसे फंक्शन पर अप्लाई करूंगा तो किस तरीके से सोल्व होगा, दैट विल बी सोल्व बाय एफ ऑफ, यही है एफ ऑफ एक्स, तो ऐसे कैसे रहेगा, बट वाई किससे रिप्लेस कर देंगे, वाई विल बी रिप्लेस बाय सी माइनस एम एक्स एंड डी एक्स, ओके, इट विल बी गिवन बाय दिस वन। उस केस के लिए आप इसे ऐसे सोल्व करोगे। फिर अगर दूसरा, जब ये सोल्व हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऐसे आ जाएगा, फिर उसका जो दूसरा फैक्टर होगा फिर वो इस पर अप्लाई कर दीजिए, फिर इसे तो ये फॉर्मूला फिर अप्लाई होगा, उसे सोल्व करके फिर जो आएगा सोल्व करके फिर उस पर तीसरा फैक्टर अप्लाई कर दीजिए, एंड सो ऑन, यू हैव टू सोल्व फॉर दिस पी आई। सो कहने का मीनिंग है, अगर मैं इस प्रूफ को देखता हूँ कि हाउ टू ऑब्टेन दिस, सो इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि प्रूफ अगर मैं इसका करता हूँ कि वन अपॉन डी माइनस एम डी डैश एफ एक्स वाई पर अप्लाई करता हूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्स इंटू सी माइनस एम एक्स डी एक्स आएगा। सो हाउ टू डू दिस, लेट आई सपोज दैट कि वन बाय डी माइनस एम डी डैश आई सपोज और एफ ऑफ एक्स वाई जो ये है इसको मैं सपोज कर देता हूँ जेड। सो आपके पास क्या बन जाएगा, डी माइनस एम डी डैश टू ऑफ जेड डी माइनस एम डी डैश ऑफ जेड विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, दैट विल बी दिस वन। सो डी जेड माइनस एम डी डैश जेड, सो डी जेड माइनस एम डी डैश जेड विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये डी जेड का मीनिंग क्या है, कल जेड बाई कल एक्स, तो वो क्या बन गया आपके पास पी, एंड माइनस एम ये क्या बन गया आपके पास कल जेड बाई कल वाई, दैट मीन्स वो क्या बन गया क्यू, एंड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। सो अब आपके पास ये क्या बन चुके हैं, लग्रांजिस लीनियर इक्वेशन। यू हैव टू अप्लाई दैट लग्रांजिस ऑक्सिलियरी इक्वेशन टू सॉल्व दिस। इसे सोल्व करने के लिए हमें पता है कि pp plus qq is equal to, अगर r होता है तो हम उसे क्या लिखते हैं, इसे सोल्व करने के लिए देन वी विल से यूज दैट लग्रांजिस ऑक्सिलियरी इक्वेशंस आर dx अपॉन
स्मॉल पी का कोफिशियंट वन, डी वाई अपॉन स्मॉल क्यू का कोफिशियंट माइनस एम, एंड डी जेड अपॉन राइट हैंड साइड में जो है एफ ऑफ एक्स वाई, दिस विल बी दिस वन। ओके, अगर हम इस तीनों फ्रैक्शंस को यूज करते हैं, तो मान लीजिए मैं फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को पहले यूज कर रहा हूं, तो फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को अगर मैं यूज कर रहा हूं, इन दोनों को ले रहा हूं, तो आपके पास क्या बन रहा है, डी एक्स वाई वन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एम, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट इट विल बी माइनस एम डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू वाई। ओके, तो y प्लस, और यू कैन से दैट यहां से क्या बन जाएगा, y c के वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस mx, वो किसके इक्वल आ जाएगा, सम कांस्टेंट c के इक्वल आ जाएगा। अब अगर मैं दूसरा फ्रैक्शन लेता हूं, मान लीजिए मैं फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन को ले लेता हूं, फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन, जब हम फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को लेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, dx विल बी इक्वल टू dz अपॉन f ऑफ xy। अब इसे आप कैसे सोल्व करोगे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई डू दैट, आई से दैट dz विल बी इक्वल टू f ऑफ xy into dx, लेकिन इसे इंटीग्रेट करने के लिए यहां पर तो मेरा y भी प्रेजेंट है, तो y को पहले x के टर्म में लिखना होगा, तो मेरे पास जो इक्वेशन है इसका आप यूज कर लीजिए, जो आपके पास गिवन मान लीजिए स्टार है बोल देता हूं, तो ये स्टार को यूज कर दीजिए, यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, c माइनस mx, तो इसे मैं लिख देता हूं f ऑफ x, और यहां पे लिख देता हूं c माइनस mx dx। अब ये पूरा फंक्शन x में कंप्लीट चेंज हो चुका है, सो अगर मैं दोनों तरफ अब इंटीग्रेशन करता हूं, तो ये तो बन जाएगा z, और यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x c माइनस mx dx। ओके, सो z मेरे पास क्या था, z मैंने किसे कॉल किया था, z आई वाज कॉलिंग दिस वन 1 upon n dt, तो से यू से दैट f ऑफ सॉरी नॉट 1 upon ये था z d माइनस m d dash d minus m d dash to f of x y, so that will be equal to integration of f of x c minus m x dx, so remember that ये linear factor अगर मैं किसी भी function पे apply कर रहा हूँ, function of x y पे apply कर रहा हूँ, तो d minus m d dash है यहाँ पर, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, d dash का जो coefficient है, मतलब यहाँ पे minus होना चाहिए, और d dash का coefficient m use कर रहा हूँ, तब मैं y की जगह क्या लिख रहा हूँ, c minus m x, so this you have to remember। So, अगर आपके पास कोई भी अदर फंक्शन आता है तो उसके लिए हम पी आई निकालने के लिए एक एक फैक्टर इस तरीके से अप्लाई करते जाएंगे। ओके, जो आपके यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन बने थे इसके, तो पार्शियल फ्रैक्शन में इस टाइप के कई फैक्टर आएंगे, लेकिन वो फैक्टर एक एक करके फंक्शन पर अप्लाई होता रहेगा, देन वी विल सॉल्व। तो आपको इसका आइडिया कहां से लगेगा, एग्जाम्पल्स के हद से लगेगा, लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल्स। सो हमने पी आई को सोल्व करने के लिए यहाँ पर जो चारों केस डिस्कस किया वो मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिख दिया है, ताकि वो आपको विजिबल होते रहे। तो उसके लिए सबसे पहला एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, यू हैव टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन इज दिस, इसे आपने सॉल्व करना है, तो ये ऑलरेडी आपकी पीडी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखी हुई है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक द ऑक्सिलरी इक्वेशन, सो यू राइट डाउन द सॉल्यूशन, सो व्हाट इट विल बी, यू विल से दैट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो कैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी, डी को तो मैं क्या लिख दूंगा एम, और डी डैश को किससे रिप्लेस कर दूंगा वन, तो हमारी इन द कोफिशियंट ऑफ इसमें z के कोफिशिएंट में, तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी मेरे पास, d को मैंने m से रिप्लेस कर दिया और d डैश को 1 से, सो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, सो उसमें रिप्लेस करने के बाद इक्वल टू 0, सो दिस इज योर ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो यू कैन से दैट कि ये आपके पास क्या बन रहा है, होल स्क्वायर इज m प्लस 1 का आपका पास होल स्क्वायर है, दैट विल बी इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट हो गए इसके पास, तो m की वैल्यू क्या आ गई, सेम वैल्यू आएगी माइनस वन एंड माइनस वन, तो आपके पास रिपीटेड रूट आ गया है, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद लास्ट वीडियो में कर चुके हैं कि अगर मेरे पास रिपीटेड रूट आते हैं देन हाउ टू राइट डाउन द cf, सो इसके लिए अगर आप cf लिखते हो, cf व्हाट इट विल बी, सो यू विल से दैट cf विल बी phi1 ऑफ y प्लस mx, लेकिन m की वैल्यू क्या है माइनस वन, तो phi y माइनस x, लेकिन फिर दोबारा रिपीटेड है तो प्लस x इंटू phi2 ऑफ y माइनस x, सो दैट विल बी योर cf। सो अब अपने कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी रिक्वायर्ड है, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, यू से दैट नाउ द पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी गिवन बाय 1 अपॉन fdt डैश, तो ये आपका fdt डैश है, ओके z का कोफिशिएंट, तो इसे मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा d स्क्वायर प्लस 2 d d डैश प्लस d डैश स्क्वायर
दिस इज डी डैश स्क्वायर। सो डी डैश स्क्वायर किस पर अप्लाई होगा? राइट हैंड साइड में फंक्शन है ई रेस्ट टू टू एक्स प्लस थ्री वाई, टू एक्स प्लस थ्री वाई। सो वट यू हैव टू डू, अभी हमने फर्स्ट केस किया है कि अगर मेरे पास ई रेस्ट टू ए एक्स प्लस बी वाई है एफ डी डी डैश में, तो डी को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? एक्स के कोफिशियंट से, और डी डैश को किससे रिप्लेस कर दूंगा? वाई के कोफिशियंट से। सो वट यू हैव टू डू, एक्स कोफिशियंट है ए, तो डी की जगह तो रख दीजिए आप टू, और डी डैश की जगह रख दीजिए थ्री। सो ये आपके पास क्या बन जाएगा? वन अपॉन टू स्क्वायर प्लस टू इंटू ये आपके पास है थ्री प्लस थ्री स्क्वायर, ओके, एंड इंटू ई रेस्ट वॉल टू एक्स प्लस थ्री वाई, दैट विल बी दिस वन। सो वट इट विल बी, यू से दैट इट विल बी वन बाई फोर एंड ट्वेल्व नाइन, ओके, एंड वट इट विल बी ई रेस्ट वॉल टू एक्स प्लस थ्री वाई। सो जब इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करके आपके पास क्या बन गया? 1 by 25 e raised to a 2x plus 3y, that will be this one, okay। आपके पास CF भी आ चुके हैं, PI भी आ चुके हैं, तो complete general solution क्या होगा? So you say that therefore the general solution of, मान लीजिए इसे मैं one call कर रहा हूँ, general solution of one is given by z is equal to CF plus PI, तो ये आपके पास general solution होगा। तो जस्ट रख दीजिए डेट सी एफ की वैल्यू आपके पास क्या है, सी एफ इज दिस वन। सो फाइव वन वाई माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू फाइव टू वाई माइनस एक्स एंड प्लस पी आई, पी आई इज दिस वन प्लस वन बाई ट्वेंटी फाइव और ई रेज टू अबाउट टू एक्स प्लस थ्री वाई। सो दिस विल गिव यू द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन पीटी। लेट अस टेक द अनदर एग्जाम्पल। अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन d स्क्वायर प्लस dd डैश माइनस 2dd स्क्वायर z इक्वल टू y प्लस 1 e रेज़ टू x। सो ये ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में है, सो हम इसके डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। सो यू विल राइट डाउन दैट इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d को मैं m से रिप्लेस करूंगा, dd को 1 से, और z कोएफिशिएंट को इक्वल टू 0 कर दूंगा, ओके। सो यू से दैट d की जगह m, m स्क्वायर प्लस m into 1 m माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। So, यहां से सोल्व करके आपने m की वैल्यू निकालनी है और m की करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए आपको cf मिल जाएगा। सो m की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? सो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सम आपको 2 चाहिए और प्रोडक्ट माइनस 2 चाहिए। सो व्हाट आई हैव टू डू, 2m इस m को मैं लिख सकता हूं 2m माइनस m। सो आई एम जस्ट राइटिंग दैट m स्क्वायर प्लस 2m माइनस m माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। अगर मैं इन दो फर्स्ट टर्म में से m कॉमन लेता हूं, दैट विल बी m m प्लस 2 एंड माइनस कॉमन लेता हूं तो m प्लस 2। So it will be equal to 0, तो आपके पास रूट्स क्या बन गए, फैक्टर बन गए m plus 2 into m minus 1, that will be equal to 0। इसे सॉल्व करते हो तो मेरे पास m की वैल्यू आ गई, m की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई आपके पास minus 2 एक बार, ओके। इसके लिए करस्पॉन्डिंग आप cf लिख सकते हो, m की वैल्यू के लिए डिफरेंट वैल्यूज है, तो आपके पास cf क्या आ जाएगा, phi 1 of y plus mx, m की वैल्यू है 2, this one minus 2, तो y minus 2x plus phi 2 of y plus mx, so it will be this one। so ये आपके पास cf आ गया। अब आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यू हैव टू टेक दैट जो z का कोफिशिएंट है 1 अपॉन दैट, यू हैव टू टेक 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस dd डैश माइनस 2 d डैश स्क्वायर टू द फंक्शन, आपके पास क्या है y plus 1 e raised to x। अब आपके पास ये फंक्शन है, हमने pi इसके करस्पॉन्डिंग निकालना है, तो अगर मैं देखता हूं इस फॉर्म में से हमारे पास ये ex plus by के फॉर्म में नहीं है, सेकंड में देखता हूँ sin mx plus ny या cos mx plus ny भी नहीं है, x raised to power m या y raised to power n उसके फॉर्म में भी नहीं है, तो हमारे पास ये अदर फंक्शन बन गया। तो अदर फंक्शन बन गया तो उसके लिए मैं क्या करता था, 1 upon fdt dash को पहले पार्ट से फ्रैक्शन करो और फिर एक एक करके इस टाइप का फैक्टर fxy पे अप्लाई करो जो ऐसे सोल्व होगा, ओके, जहां पर मैं y को किससे रिप्लेस कर दूंगा, c minus mx से। सो हमने क्या किया, इसके पहले पार्ट ऑफ फ्रैक्शन कर देते हैं, लेकिन इसके फैक्टर तो पहले ही ऑलरेडी इस टाइप के बने हुए, देखो m plus 2 into m minus 1, m की जगह तो क्या है मेरे d, इसे d कह दीजिए, m plus 2 into 1, 1 को कह दूंगा d dash, तो ये बन जाएगा d plus 2 d dash और ये बन जाएगा d minus d dash, तो ओके, तो इसे मैं लिख देता हूं 1 upon d plus 2 d dash, ये फैक्टर बन गए इसके लीनियर एंड d minus d dash किसके ऊपर बन गए, y plus 1 e raised to x। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक फैक्टर पहले इसके साथ ले लीजिए, सो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन 1 अपॉन d plus 2d dash, ऐसे कैसे मैं एक फैक्टर को ले रहा हूं, अभी एक फैक्टर को ले रहा हूं 1 अपॉन
डी माइनस डी डैश को ले रहा हूं इस फंक्शन के ऊपर y प्लस वन इंटू ई रेस्ट फॉर x। लेकिन हमें पता है कि जब मैं इस टाइप का कोई फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, 1 माइनस 1 अपॉन डी माइनस एम डी डैश फंक्शन पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इस फंक्शन का x तो ऐसे कैसे y को रिप्लेस कर दूंगा c माइनस एम एक्स से। अगर यहाँ पे माइनस है तो c माइनस एम एक्स रिप्लेस होगा, तो मैं इसे रिप्लेस कैसे करूंगा? तो ये तो आपके पास एज इट इज देते चलोगे से आप डी प्लस टू डी डैश, तो आपके पास क्या बन जाएगा, वन इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह में क्या लिखूंगा, m की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो ये d माइनस md डैश है तो m की वैल्यू 1 है, तो c माइनस x, तो इसकी जगह आ जाएगा मेरा c माइनस x y की जगह n प्लस 1 ऐसे कैसे इंटू ई रेस्ट वॉर x, और इस फंक्शन का क्या होगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आपने इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए नो दैट कि इसको मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ बाई यूजिंग द बाय पार्ट्स। तो अगर मैं इसको बाय पार्ट से सोल्व करता हूँ तो 1 अपॉन d प्लस 2d डैश That will be as it is. इसे सोल्व करेंगे by integration by parts. First function as it is integration second. इसे मैं first कॉल कर रहा हूँ, इसे मैं second कॉल कर रहा हूँ. तो first function as it is integration c minus x plus 1 as it is integration of second e raised to power x integration e raised to power x minus integration of derivative of first. Derivative of first करेंगे तो क्या आएगा? ये zero, ये minus 1 और ये 0. तो यानी कि minus 1 आ गया. Minus 1 into integration of second e raised to power x dx. Okay? तो अब इसे दोबारा इंटीग्रेशन करूंगा, ये माइनस माइनस क्या बन गया आपके पास प्लस, तो इसे मैं यहां से रब करके ये आपके पास बन गया प्लस, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। लेकिन e रेस्ट टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेस्ट टू पावर x, तो इसे मैं यहां से रब करके इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन इसका e रेस्ट टू पावर x ही आ गया, तो मैं इसे लिख दूंगा e रेस्ट टू पावर x। ओके, लेकिन अब दोबारा से अभी मैंने इसकी जगह y को रिप्लेस किया था, यहाँ पे लिख लो कि मैंने y को किससे रिप्लेस किया है, वी पुट दैट y इज इक्वल टू c माइनस x, c माइनस x से रिप्लेस किया है, तो आप c माइनस x की वैल्यू दोबारा से प्लेस कर दीजिए, तो c माइनस x की वैल्यू क्या बन जाएगी y, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन d प्लस 2d डैश, d प्लस 2d डैश ऑफ किसका, ये बन गया आपके पास y प्लस 1 इनटू e रेस्ट टू पावर x प्लस e रेस्ट टू पावर x, तो ये बन गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, सो लेट मी रब इट, इसे मैं रब कर देता हूं, cf का हम एज इट इज रख लेते हैं अपने पास, क्योंकि हमें सीएफ रिक्वायर्ड है। मान लीजिए स्टेटमेंट को रब कर देता हूं, अगर आपने दोबारा देखने तो बैक करके आप देख सकते हो, तो इसे फंक्शन को अप्लाई कर दीजिए दोबारा से, जब मैं फंक्शन अप्लाई करूंगा तो 1 अपॉन d प्लस 2d डैश पहले इस फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगा, 1 अपॉन d प्लस 2d डैश पहले किस पे अप्लाई हुआ, y प्लस 1 इंटू e रेस्ट फॉर x पर, एंड प्लस 1 अपॉन d प्लस 2d डैश किस पे अप्लाई हुआ, e रेस्ट फॉर x पर, 2d डैश अप्लाई हुआ e रेस्ट फॉर x पर। तो इस पे तो देख लीजिए, ये तो कौन सी फॉर्म बन गई आपकी, ये तो बन गई आपकी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे a की वैल्यू तो 1 बन गई और b की वैल्यू, y की को टर्म है ही नहीं तो b की वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो मैं d की जगह तो 1 रखूंगा और d डैश की जगह 0, तो नीचे क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 0 1 बन जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू तो सीधी आपके पास क्या आ गई, इस टर्म की वैल्यू तो सीधी आपके पास आ गई e रेस्ट टू x, ये एडिटिव रख दिया बाय यूजिंग दिस फॉर्म। अब हम इसको सोल्व करना चाहते हैं, तो ये फंक्शन ऑफ x वाई है, फिर दोबारा से इनमें से कोई सी फॉर्म नहीं है, ये तीसरी टाइप के फॉर्म है, तो इसमें क्या करो d माइनस md डैश, तो यहां पर d इसे माइनस माइनस 2 लिख दूंगा इसे, क्योंकि मैं इस फॉर्म में बनाना चाहता हूँ d माइनस md डैश, तो इसे क्या लिख दो d माइनस माइनस 2d डैश, यानी कि m की वैल्यू हो गई माइनस 2, तो अगर मैं y की जगह लिखता हूँ c माइनस माइनस 2x तो वो बन जाएगा c प्लस 2x, सो इट कैन बी रिटन एज, तो मैं कहूंगा ये क्या से बन गया, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ c की जगह क्या लिखूंगा y की जगह लिख दो c प्लस 2x एंड प्लस 1 और ये e की पावर x ऐसे कैसे इंटीग्रेशन एंड प्लस में क्या e रेस्ट पावर x, इसे इधर करके लिख देता हूं e रेस्ट पावर x, सो ये हो गया, बस इसे इंटीग्रेशन सॉल्व करना आपने, सो इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे c प्लस 2x प्लस 1 ऐसे कैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करोगे तो ये 0 इसका हो जाएगा 2, ये 2 और इंटीग्रेशन सेकंड हो गया e रेस्ट फॉर x dx, और ये वाला e रेस्ट फॉर x ऐसे कैसे, जब इसको इंटीग्रेशन करोगे तो 2 तो बाहर आ गया आपके पास, 2 इज देयर, तो e रेस्ट फॉर x का फिर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा e रेस्ट फॉर x, सो मैं इसे रफ कर दूं, तो इसी स्टेप में हम इसे रफ कर देते हैं, तो हमारे पास ये सॉल्व करके क्या आ गया, इंटीग्रेशन e रेस्ट फॉर x आ गया, सो माइनस 2 e रेस्ट फॉर x प्लस e रेस्ट फॉर x, तो अब ये आपके पास बन गया c प्लस 2x प्लस 1, ये यहाँ पे लिख लीजिए साइड में आप इसे, ताकि आपको ध्यान रहे कि मैंने y को क्या लिखा था, y इज इक्वल टू c प्लस 2x,
ये मैंने यूज किया था, ये हमने लिखे रखा है यहां पर। तो आपके पास क्या बन गया ये, अब इस टर्म को c प्लस टू एक्स प्लस वन इंटू ई रेस टू पावर एक्स माइनस टू ई एक्स प्लस ई एक्स, तो माइनस ई रेस टू पावर एक्स आ गया ये टर्म। c प्लस टू एक्स को फिर दोबारा से रिप्लेस कर देते हो, इसकी जगह लिख दूंगा y, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी टर्म, दैट विल बी y प्लस वन इंटू ई रेस टू पावर एक्स और माइनस ई रेस टू पावर एक्स, ई रेस टू पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा y इंटू ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर एक्स, तो सॉल्व करके आ गया y ई रेस टू पावर एक्स। तो इस तरीके से आप देखते हो ये आपके पास क्या आ गया पी आई, तो इसे सोल्व करके ये पी आई बना आपके पास। सो ये पी आई आ गया और सी एफ आपके पास पहले से ही है, सी एफ आपके पास ये था, तो कहने का भी नहीं है मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा। सो यू राइट डाउन देयर फॉर द जनरल सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन विल बी व्हाट इट विल बी, इट विल बी जेड विल बी इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सो हाउ इट विल बी गिवन बाय, जेड इज इक्वल टू सी एफ आपके पास क्या है फाइव वन वाई माइनस टू एक्स प्लस फाइव टू y प्लस एक्स एंड प्लस पी आई, पी आई आपके पास क्या है प्लस y इंटू ई रेस्ट पावर एक्स। सो इन दिस वे यू विल कैलकुलेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पीडी। ओके नाउ वी कंसीडर द नेक्स्ट एग्जांपल। सो अब आपके पास थर्ड एग्जांपल है, सपोज दैट यू हैव टू सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू कोस ऑफ टू एक्स प्लस वाई, सो इट इज ऑलरेडी इन द सिंबॉलिक फॉर्म। सो अगेन जैसे हमने पहले एग्जाम्पल्स किए, सो हाउ टू डू सोल्व इट, तो इसका सी एफ और पी आई निकालने, सी एफ निकालने के लिए वी हैव टू राइट इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी को एम से और डी डैश को वन से रिप्लेस करके इक्वल टू जीरो कीजिए जेड के कोफिशिएंट को, सो बन जाएगा एम क्यूब माइनस फोर एम स्क्वायर प्लस फोर एम विल बी इक्वल टू जीरो, दैट विल बी दिस वन। सो नाउ यू हैव टू सोल्व दैट इक्वेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम, तो एम की थ्री वैल्यू जाएगी क्योंकि आपकी ये थ्री डिग्री इक्वेशन है, सो थ्री वैल्यू विल बी देयर। सो हाउ टू सॉल्व दैट, एम इज कॉमन थ्रू आउट द इक्वेशन, सो एम कैन बी टेकन आउटसाइड एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर दैट विल बी इक्वल टू जीरो, सो दिस इज एम और ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज द होल स्क्वायर और एम माइनस टू का होल स्क्वायर है ये। ओके सो इसे मैं लिख सकता हूं एम माइनस टू होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू जीरो, तो जब इसे सोल्व करोगे तो एम की वैल्यू या तो फिर जीरो होगी या फिर इसे जीरो पुट करते तो एम की वैल्यू क्या आएगी टू टू, तो आपके पास ये थ्री रूट्स आ चुके हैं। सो हमारे पास एक डिफरेंट है और दो सेम है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा सी एफ क्या होगा, देयर फोर यू विल राइट डाउन सी एफ विल बी इक्वल टू फाइव वन ऑफ वाई प्लस एम एक्स, एम क्या है जीरो, सो वाई प्लस जीरो एक्स तो वो तो जीरो हो गया, तो फाइव वन ऑफ वाई प्लस फाइव टू ऑफ वाई प्लस एम की जगह टू आ गया वाई प्लस टू एक्स, लेकिन ये सेम रिपीट कर रहे हैं तो प्लस एक्स इंटू फाइव थ्री ऑफ y प्लस टू एक्स, ये आपके पास सी एफ बन गया। अब हमने पी आई कैलकुलेट करना है, सो पी आई कैलकुलेट करने के लिए यू विल राइट डाउन पी आई विल बी इक्वल टू, यू हैव टू टेक वन अपॉन दैट थिंग व्हेन यू राइट डी क्यूब माइनस फोर डी स्क्वायर डी डैश प्लस फोर डी डी डैश स्क्वायर, ये लेना हमने और किस पर अप्लाई करना है कोस ऑफ फंक्शन क्या कोस ऑफ टू एक्स प्लस वाई, इस पर अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे इस फंक्शन में आप देख सकते हो कि हमारे पास थ्रू आउट द पॉलीनोमियल इस ब्रैकेट में हमारे पास डी कॉमन है, डी इज हियर हियर एंड हियर ऑल देयर डी इज प्रेजेंट हियर, सो आई कैन टेक डी कॉमन। सो जब मैं डी को कॉमन लूंगा तो यहीं पर इसे रीराइट कर देते हैं, डी को कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा डी स्क्वायर, डी मैंने कॉमन ले लिया, ओके एंड ये क्या बन जाएगा एक डी रह जाएगा यहाँ पर और यहाँ से डी रिमूव हो जाएगा, सो आपके पास ये टर्म बचेगी इनटू दिस वन, सो वन अपॉन डी इंटू दिस इस पर अप्लाई हो रहा है दिस वन, सो ये फैक्टर या तो इसे पहले कोस टू एक्स प्लस वाई पर अप्लाई कर दीजिए फिर वन बाई डी पर अप्लाई कर दीजिए या फिर वन बाई डी को पहले इस पर अप्लाई कर दीजिए फिर इसके बाद इस पर अप्लाई कर दीजिए, सो मैं वन बाई डी को पहले अप्लाई कर रहा हूँ। ओके सो इस वन बाई डी को पीछे की तरफ लिख रहा हूँ दैट विल बी वन बाय डी, सो मैं इस वन बाय डी को पहले ले रहा हूँ इसके साथ, तो वन बाय डी को जब इसके साथ लेंगे सो वट इट विल बी, सो बाकी एज इट इज है वन बाय डी ऑफ दिस वन, तो डी तो मेरे पास क्या है डेरिवेटिव है इस फंक्शन का और 1 by d का मीनिंग है इंटीग्रेशन, cos of 2x plus y का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जब इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करोगे व्हाट इट विल बी, तो cos का बन जाएगा sin 2x plus y, सो इट विल बी राइट डाउन एज ये आपके पास सारा ऐसे कैसे रहेगा d स्क्वायर माइनस 4 dd डैश प्लस 4 dd स्क्वायर, दिस विल बी एज इट इज और इसकी जगह हमारे पास क्या हो जाएगा sin हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे sin ऑफ 2x plus y और इसका दोबारा से डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 2 उसे डिवाइड में लिखेंगे सो दैट विल बी 2। ओके
इट कैन बी रिटन एज 1 बाय दिस 1 और दिस. सो 2 को अगर मैं बाहर की तरफ लिखना चाहता हूं सो यू कैन बी टेकन आउटसाइड. सो इसे लिख दीजिए 1 बाय 2 इनटू दिस थिंग. ओके सो व्हाट इज लेफ्ट हियर. यहां पर हमारे पास d स्क्वायर माइनस 40 डैश प्लस 40 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन. सो मैं क्या करता हूं, d स्क्वायर की जगह तो मैं क्या लिख सकता हूं, यूज आई विल राइट डाउन यूज d स्क्वायर इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट लो उसका स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर 4 तो उसके आगे माइनस साइन लगाओ. d स्क्वायर माइनस 4 यूज करूंगा, dd डैश की जगह क्या यूज करूंगा, x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो 2 * 1 2 और उसके आगे माइनस साइन लगा दो, ये dd डैश. और d डैश स्क्वायर की जगह क्या यूज करूंगा, y का ऑप्शन क्या 1 उसका स्क्वायर करो 1 और उसके आगे माइनस साइन लगा दो. तो ये वैल्यू मैं यूज करूंगा यहां पर. जब ये वैल्यू मैं यहां पर यूज करता हूं तो आपके पास क्या बनेगा 1 बाय 2 इनटू 1 बाय व्हाट इट विल बी माइनस 4 एंड माइनस 4 d की वैल्यू कितनी है और d डैश की वैल्यू कितनी है माइनस 2. ओके माइनस 2 एंड प्लस 4 d डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस 1 तो माइनस 1. सो ये आपके पास दिस वैल्यू into sine of 2x plus y, right? आपके पास ये बन गया minus 4 plus 8 minus 4 minus 4 minus 4 minus 8 plus 8 क्या बन गया 0. So ये तो आपके पास क्या बन रहा है 1 by 0 1 by 2 into 1 by 0 of sine 2x plus y. तो ये क्या बन गया आपके पास case of failure. तो यहाँ पे लिख दीजिए it is case of failure. मतलब हमें इससे solve नहीं करना होगा, ये इसे सोल्व करने के लिए हम दूसरा मेथड यूज करेंगे. सो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर दो. इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हम ये वाला जो मेथड है वो यूज कर देते हैं यहाँ पर. तो ये हमारा मेथड यूज करने के लिए पहले से पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे. सो लेट मी रब इट फर्स्ट. तो हमारे पास सीएफ को एज इट इज रख लेते हैं, बाकी मैं रब कर देता हूँ यहाँ पर. ओके क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी रब कर रहा हूँ, यू कैन सी द स्टेटमेंट बाय वीडियो को बैक करके देख सकते हो. तो हमारे पास ये वैल्यू बचती है. तो कहने का मीनिंग है आपने इसे सोल्व करना है तो उसे सोल्व करने के लिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है. तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए मैं कर देता हूं p = 1 / 2 ऐसे कैसे * 1 / इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है इसका. ये आपके पास क्या है d² - 4dd - 2d² तो ये d - 2d का होल स्क्वायर है d - 2d का. सो इसे मैं लिख सकता हूं d - 2d होल स्क्वायर. ये है आपके पास एंड of to the function sine of 2x plus y, sine of 2x plus y. जब इसे यूज करेंगे हम इस पर, so what it will be? You will say that it will be 1 by 2. तो हम एक-एक करके फंक्शन यूज करते हैं sine 2x plus y पे. तो पहले एक फैक्टर को मैं बाहर लिख लेता हूँ d minus 2d dash. एक बाहर आ गया. मेरे पास एक फैक्टर को मैं इसके साथ यूज कर रहा हूँ d minus 2d dash को किसके साथ यूज कर रहा हूँ sine of 2x plus y के साथ मैं यूज कर रहा हूँ. So how to use it? You know that? कि इसके लिए हम क्या करेंगे d1 upon d minus md dash fx y है तो y को किससे रिप्लेस करूंगा c minus mx से. सो 1 by 2 into 1 upon d minus 2d dash तो इससे रिप्लेस कर देते हैं हम y को किससे रिप्लेस करें c minus 2x से. तो यहां हो गया sin और आपके पास क्या हो गया इंटीग्रेशन बनेगा और ये 2x तो ऐसे कैसे y की जगह आ जाएगा c minus 2x और इंटीग्रेशन dx. जब ये करेंगे 2x 2x कैंसिल आउट. तो यहां पर हम राइट हैंड साइड में लिख के रख लेते हैं हमने क्या यूज किया है, हमने यूज किया है y इज इक्वल टू c माइनस 2x. ये यूज किया हुआ है ठीक है. जब हमने ये यूज किया तो क्या बचेगा sin c. sin c का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin c तो कांस्टेंट है तो क्या इंटीग्रेशन बचेगा 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा. तो ये आपके पास बच गया 1 / 2 * 1 / 1 / d माइनस 2d डैश और यहां पर आपके पास क्या बचा sin c कांस्टेंट है और आपके पास 1 बचा तो 1 का इंटीग्रेशन आ गया x. तो x * sin c बचेगा. लेकिन आप c की वैल्यू दोबारा रिप्लेस कर दो. c की वैल्यू आपके पास क्या थी c minus, y = c - 2x था, c की वैल्यू हो जाएगी y + 2x. तो इसी की जगह मैं दोबारा से यूज कर रहा हूं तो मैं ये वैल्यू यहां पर रख कर रहा हूं. ओके तो मैं अभी cf को यूज नहीं कर रहा, cf को मैं एज इट इज रख रहा हूं. ये आपका cf है, इसको मैं यहां ब्रैकेट कर देता हूं. तो इसके बाद ये स्टेप ले रहा हूं दैट विल बी इक्वल टू 1 / 2 * 1 / d minus this. ओके तो हमने क्या यूज किया 1 by d minus 2d dash x into sine of y plus 2x. ये वाली यूज की. तो अब हमने ये वाला फैक्टर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे. तो ये फैक्टर अप्लाई करने के लिए हमने क्या करना है 1 by 2 d minus md dash m की वैल्यू 2 है यहाँ पर. तो फिर वही बात कि y को मैं किससे रिप्लेस करूंगा c minus 2x से. अगेन यूज y is equal to c minus 2x. तो जब y को c minus 2x यूज करूंगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x ऐसे कैसे, यहाँ पर आ जाएगा sin
वाई को रखूंगा सी माइनस टू एक्स और ये बन गया प्लस में टू एक्स और आ गया dx, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, साइन सी कॉमन आ जाएगा, तो साइन सी कॉमन आ जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा साइन सी और वन बाय टू पहले से है तो x बचा, x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, तो ये बन गया आपके पास वन बाय फोर एक्स स्क्वायर साइन सी, लेकिन c की वैल्यू क्या है y प्लस टू एक्स, सो y प्लस टू एक्स, तो ये आपके पास क्या बन गया कंप्लीट पी आई। तो अब आपने क्या करना है, सीएफ पहले ही पी आई ये रहा आपके पास, तो आप कहोगे देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम वन इज, मान लीजिए वो वन इक्वेशन है आप गिवन, तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा जेड विल बी इक्वल टू सी एफ फाइव वन वाई प्लस फाइव टू ऑफ वाई प्लस टू एक्स प्लस एक्स इंटू फाइव थ्री ऑफ वाई प्लस टू एक्स एंड प्लस पी आई क्या है वन बाय फोर एक्स स्क्वायर साइन वाई प्लस टू एक्स। ओके, इन दिस वे वी विल गेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पीडीई। तो इस तरीके से इन फॉर्मूलाज का यूज करते हुए सीएफ और पीआई निकाल के हमने गिवन पीडीई का सॉल्यूशन निकालना है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।